For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है. आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज़ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस के बारे में जो बेसिक मालूमात हैं हम कोशिश करेंगे हम उनको शेयर करें और उसके बारे में जो एक अवेयरनेस है उसको ज़रा हम स्प्रेड करें. हेपेटाइटिस बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि जिगर की एक बीमारी है जो कि जिगर के मुतासर करती है. हेपेटाइटिस जो है वायरस से कॉज की जाती है और वायरस जो है उसमें से बहुत सारे हैं. हेपेटाइटिस A, B, C, D, E. इनमें से अगर हम आसानी पैदा करने के लिए कुछ वायरसेस जो हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराते हैं. वो हेपेटाइटिस जो कि आसानी से क्योर हो जाता है जिसके लिए कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और फिर हेपेटाइटिस B और C वायरस जिसको हम काला यरकान कहते हैं जिसके लिए हमें स्पेसिफिक कोर्स की ज़रूरत पड़ती है. इब्तदाई अलामात जो हैं आँखों का पीला हो जाना, दिल का ख़राब होना, ग़ज़ा का हज़म ना कर पाना या मुतवातर उल्टी आना, कभी कभार उल्टी के ज़रिए खून का आना, ये पीले यरकान की इब्तदाई अलामात हैं जो कि आजकल भी एक स्प्रेड है हेपेटाइटिस A और E का. काला यरकान आम तौर पे बड़ा एक साइलेंट डिज़ीज़ है. बहुत लेट स्टेज पे जाके अगर सिम्टम्स के हवाले से देखें तो कुछ सिम्टम्स आते हैं जिस तरह पेट का फूल जाना या खून की उल्टी आ जाना या काले रंग के बहाने आ जाना और फिर उससे अगली स्टेज पे जाके तो मरीज़ों का बेहोश हो जाना, होश खो देना. दोनों डिजीज़ बड़े आराम से प्रिवेंटेबल हैं और क्योरेबल भी हैं आज के ज़माने में. हेपेटाइटिस जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो है उसका बचाव का तरीका ये है कि हम खाना पीना जो है उसमें बड़ी एहतियात करें, साफ़ खाना पीना इस्तेमाल करें, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, बाहर के खाने जो हैं ख़ासतौर पर आजकल के मौसम में जबकि एक आउटब्रेक है उनको अवॉइड किया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो सके हम अपने खाने की सफाई का जो है वो ख़ास ख्याल रखें. खून लगवाने से पहले खूब इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि जिस भी इंसान का खून आपको लगाया जा रहा है वो खून जो है वो हेपेटाइटिस के जरासीम से पाक हो, उसका हेपेटाइटिस का टेस्ट ज़रूर हुआ हो. इसके अलावा आपका जो नीडल्स हैं, मतलब नीडल इन्फेक्शन, नीडल स्टिक जो है इंजरी जिसको हम कहते हैं, आप तसल्ली कर लें कि जब भी आपको कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा हो तो वो नई सिरिंज से लगाया जाए. आपका डेंटिस्ट जो है जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या किसी भी सर्जरी से पहले आपके जो औजार हैं उनको अच्छी तरह से स्टेरलाइज़ कर लिया जाए. इन चीज़ों से, इस तरह से जो है हेपेटाइटिस B और C से बचा जा सकता है. कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत सारी है. पेट का फूल जाना जिस तरह पेट में पानी पड़ जाना जो है, फेफड़ों में पानी पड़ जाना, इसके अलावा आप में खून की कमी मुतवादर हो जाना जिसको आमतौर पे जिगर के खून ना बनाने से तशबीह दी जाती है लेकिन असल में अंदर से खून ज़ाया हो रहा होता है जो कि काले पखानों की सूरत में या खून की उल्टी की सूरत में जो है वो नमूदार होता है. और फिर बड़ी लेट स्टेज में जाके कोमा की स्टेज आ जाती है जहाँ पे होश का जो है वो सलामत रहना वो काफ़ी हद तक नामुमकिन हो जाता है. लेट स्टेज पर जाके इसकी ट्रीटमेंट जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट यानी जिगर की तब्दीली या पेवंदकारी तक जाती है. लेकिन जो ट्रीटमेंट है आजकल हेपेटाइटिस C का और B का भी, इवन हेपेटाइटिस C का ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन 3 महीने का इलाज जो है वो करके उसको क्योर किया जा सकता है. लेकिन वो तब है जब आप इससे इब्तदाई तौर पे आपको पता लग जाए कि हेपेटाइटिस C आप में है. लेट स्टेज पे जाके जैसा कि मैंने पहले कहा था तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हेपेटाइटिस के बारे में और जिगर के जितने भी अमराज हैं उनके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं.